प्रदेश की दूसरी बड़ी पार्टी भाजपा ने पिछले दिनों कांग्रेस सरकार के खिलाफ सूबे में जनाक्रोश यात्रा निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं शनिवार को प्रदेश की राजधानी जयपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से जंगी प्रदर्शन करने के साथ मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की गई तो पुलिस ने लाठियां बांसते हुए उन्हें खदेड़ दिया। वाटर कैनन से पानी की बौछारें भी छोड़ी गई। इस बीच उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भी युवाओं के साथ भाग लिया और अपनी गिरफ्तारी दी। आपको बता दें कि पहले युवा मोर्चा की ओर से विधानसभा का घेराव करना था, लेकिन सरकार की ओर से शनिवार के सत्र को स्थगित करने के बाद बाजुमों के हजारों युवा मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े, जहां पहुंचने पर उन्हें पुलिस की लाठियों और तेज धार पानी की बौछारों का सामना करना पड़ा। तो देखा आपने किस तरह प्रदेश की दूसरी बड़ी पार्टी से जुड़े युवाओं ने अपना विरोध जयपुर की सड़कों से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक दर्ज कराया। आपको बता दें कि इस युवा आक्रोश प्रदर्शन की तैयारियां राजस्थान में लंबे समय से चल रही थी और प्रदेश भर में भाजपा के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को जयपुर लाने के लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया था। कुछ दिनों पूर्व उदयपुर देहात भाजपा की ओर से पटेल सर्किल स्थित पार्टी कार्यालय पर अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान और युवा मोर्चा अध्यक्ष ललित सिंह सिसोदिया की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया गया था और दावा किया गया था कि देहात के हर मंडल से 100-100 नौजवान कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। करीब 3,500 युवाओं को ले जाने का दावा यहां किया गया था, लेकिन यह आंकड़ा 350 भी पार नहीं कर पाया। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ दावा उस दिन प्रेस वार्ता में किया गया था। और मैं समझता हूँ 4 तारीख को 3 तारीख को यहाँ से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपने अपने साधनों से जयपुर जाकर बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर जो विधानसभा का घेराव किया जा रहा है उसमें अपनी सहभागिता करेंगे और संपूर्ण राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा का देहात जिला इकाई जैसे पूर्व में भी अग्रणी रहा है, इस वर्ष भी अग्रणी रहेगा। 3,551 कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर कूच कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। युवा मोर्चा का प्रदर्शन होगा तो भागीदारी भी बड़ी होगी, लेकिन ऐसा कुछ राजधानी में दिखाई नहीं दिया। देहात से युवा तो गए, पर जिस संख्या बल का दावा किया गया था उसका 10% आंकड़ा भी जिम्मेदार पूरा नहीं कर पाए। उदयपुर न्यूज ने देहात भाजपा के अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह और देहात युवा मोर्चा अध्यक्ष ललित सिंह सिसोदिया से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। तो आज जो युवा मोर्चा का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम जो किया गया जयपुर में, सबसे पहले तो उसे किस तरह से आप देख रहे हैं, कितना सक्सेस मान रहे हैं? नहीं, सक्सेस तो बहुत अच्छा है। नहीं, युवा मोर्चा जो कहा जा रहा था कि इतनी तादाद में पहुंचेगा, इतने लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, लगभग 3,500 से ऊपर की बात की गई थी, लेकिन उतना युवा आ नहीं पाया। उदयपुर से जी देहात अध्यक्ष की ओर से कहा गया था। हाँ, तो नहीं, इतना तो नहीं गया था, बट थोड़ा सा होली का त्योहार है उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा। बाकी उदयपुर देहात जिले की संख्या उदयपुर संभाग में सबसे अधिक थी। सर, आपने खुद ने भी कहा था कि हर मंडल से 100 लोगों को ले जाएंगे। हाँ, तो पर एवरेज 40-50 लोग हर मंडल से गए हैं। जी जी, है ना, अभी हाँ। मैंने संख्या ली थी ना, आपको फोन आने के बाद ही संख्या ली थी। जी जी, मैं एक्चुअली गोगुंदा में कहीं दाह संस्कार में आ गया, हमारे कार्यकर्ता के युवा पुत्र की डेथ हो गई। अच्छा, थोड़ा सा उस कारण से इधर आ गया था। तो इस बार जो आप लोगों ने कहा था पूर्व में उतना युवा इकट्ठा नहीं हो पाया, तो कार्यकर्ताओं को इकट्ठा नहीं कर पाना आप क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जो है उनकी कोई कमजोरी है, कैसा देखते हैं? नहीं, कमजोरी वाला कोई विषय ध्यान में नहीं आता है, परंतु समीक्षा की बैठक निश्चित रूप से कल करेंगे। मुझे जो बड़ा कारण लगता है वो होली का कारण लगता है, क्योंकि आदिवासी संपूर्ण उदयपुर देहात जिले की 7 में से 5 विधानसभा आदिवासी है, आपको ध्यान में होगा। तो थोड़ा सा कारण, क्योंकि होली का त्योहार यहाँ ऑलरेडी चल चुका है जी। तो ऐसे में थोड़ा सा संख्या में कमी रहती है, और फिर क्योंकि कोई सरकारी कार्यक्रम तो है नहीं कि बसें तैयार पड़ी है, हम सबको बसों की भी व्यवस्था करना, वाहनों की भी व्यवस्था करना, कार्यकर्ताओं के
आने जाने का प्रबंध भी करना, कार्यकर्ताओं को स्वयं का करना, ये जी सब मिला के कहीं ना कहीं इसकी विश्लेषण करेंगे तो इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। आज जो युवा मोर्चा का कार्यक्रम है विधानसभा घेराव का, उसे कैसे देख रहे हैं आप? मैम, जैसे युवाओं के ऊपर बेरोजगारी, युवाओं की जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की थी, पेपर में लीक होना, 16 बार पेपर लीक होना, युवाओं के लिए तो सबसे बड़ी यही एक चुनौती होती है कि वो जॉब लग जाए और अपने घर को पाले। गरीब युवा जैसे आदिवासी जो अपना मेवाड़ है, वो तो आदिवासियों से, आदिवासी लोग है अपने आसपास, सब आदिवासी विधानसभाएं भी है, तो यहाँ के तो हर युवा चाहता है कि हम अच्छी सी जॉब में लगे, सरकारी और गवर्नमेंट जॉब में लगे और सरकार हमको इसका फायदा दे। पर लीक, पेपर लीक होना, इन सब चीजों को लेकर आज इस प्रदर्शन को किया गया और इसमें भारी संख्या में आज युवा उपस्थित है। 3,000 से ऊपर, लगभग 3,500 युवाओं को आप ले जाएंगे, जी, कितने युवाओं को आप ले जा पाए हैं? आज हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि बसें लग जाएं, तो दो जी बस हमारी लसड़िया से लगी, दो बस हमारी गोकुंदा से लगी, दो बस वल्लभ नगर से लगी, फिर हमने हमारे पर्सनल व्हीकल भी किए, जो 30 से 35 व्हीकल जो हमारे साथ आए, बाकी जो हमारे प्रधान, जैसे पार्टी ने जो पार्टी भी इन्वॉल्व हुई, इसमें सभी मोर्चे भी इन्वॉल्व हुए, जी तो इन सभी को, सभी का संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम था। पर युवा मोर्चे में इसको अग्रिम उसको रखा गया, आगे रखा गया, तो आगे नेतृत्व करने का युवा मोर्चा को इस बार सौभाग्य मिला, उसके लिए हम सभी पार्टी, पूरी पार्टी साथ में भी। नहीं, तो आपको लगता है कि जो टारगेट और जो जिस तरह से नहीं युवाओं टारगेट को नहीं आप लोगों ने जोड़ने की कोशिश की थी, वो हुजूम इस बार उमड़ पाया है? नहीं हुजूम तो उमड़ पाया है, पर हमने एक टारगेट पाने की कोशिश की थी कि हम चाहेंगे कि हम इतना टारगेट पाएं, पर हम जितना टारगेट पा सकते थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ले जाने का कार्य कर सकते थे इस कम समय में, उसमें हम ले जा पाए सबको। जयपुर में हुए विरोध प्रदर्शन में हर जगह से आए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। पानी की तेज बौछारों और पुलिस की लाठियों का डर भी उन्हें नहीं था। वहीं मेवाड़ से भागीदारी कुछ फीकी ही रही। चलिए अब बात करते हैं शहर भाजपा के युवा मोर्चा की, जिनका दावा था कि उन्हें जानकारी एन वक्त पर मिली है और इसी वजह से उसका संख्या बल काफी कम था। आपको बता दें कि इनकी ओर से भी दो बसें ले जाने का दावा किया गया था, लेकिन एक ही बस भर पाई। वह भी तब हो पाया जब जिम्मेदारी पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र भंडारी को दी गई। आपको बता दें कि युवा मोर्चा में रहते हुए गजेंद्र भंडारी ने काफी कार्यकर्ताओं को जोड़ा और उनके कार्यकाल के दौरान के सारे ही प्रदर्शनों या आयोजन, युवाओं की संख्या 3 आंकड़ों में होती और अच्छी खासी भी। लेकिन जब से श्री भंडारी के बाद सनी पोकरणा की ताजपोशी हुई है, मोर्चा में 2 फाड़ हो गए। यह रंजिश बढ़ती गई और जंग हथियारों से हमले तक पहुंच गई। परिणाम स्वरूप सनी पोकरणा को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तभी से युवा मोर्चा में बिखरा हो गया और मानो पूरा का पूरा मोर्चा ही शिथिल हो गया हो। पूर्व में महामहिम कटारिया जी के जन्मदिन पर होने वाले विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी युवा मोर्चा ही करता था, लेकिन अध्यक्ष विहीन होने के बाद इस वर्ष यह महादान नहीं हो पाया। हालांकि युवा मोर्चा में रणजीत दिग्पाल और हिमांशु बागड़ी जैसे महामंत्री भी हैं, जो युवाओं के बीच का चेहरा है, लेकिन सिर्फ एक बस में जयपुर पहुंचना कहीं ना कहीं अध्यक्ष की कमी को दर्शाता है। वहीं निवर्तमान अध्यक्ष सनी पोकरणा भी आधा दर्जन 4 पहिया वाहनों के साथ राजधानी में पहुंचे और विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने। हालांकि उन्हें कोई जिम्मेदारी तो नहीं दी गई थी, लेकिन सोशल मीडिया से जानकारी मिलने के बाद वह अपने स्तर पर तैयारी कर जयपुर पहुंचे और अपनी भागीदारी निभाई। प्रदर्शन के दौरान वह देहात जिला अध्यक्ष ललित सिंह सिसोदिया के साथ ही दिखाई दिए और उसी तरह से नेतृत्व किया जैसा अध्यक्ष को करना चाहिए। आपको बता दें कि गुलाबचंद कटारिया के महामहिम बनने के बाद उदयपुर शहर विधायक विहीन तो हुआ ही है, लेकिन भाजपा में भी अंतर्कलह तेज हो गया है। पार्टी ने अभी तक युवा मोर्चा अध्यक्ष नहीं दिया है। ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष की कुर्सी भी लंबे समय से खाली है। जो पद पर आसीन है उनमें भी नुराकुश्ती का सिलसिला चल पड़ा है। जल्द ही सतर्कता रहते हुए पदों को नहीं भरा गया और समझाइश नहीं हुई तो शहर में भाजपा का निकट भविष्य खतरे में ही रहेगा। आज जो युवा मोर्चा का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है, सबसे पहले तो उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? यहाँ पर पार्टी कार्यालय के बाहर एक मंच लगाया गया है और मंच पर सभी पूरे प्रदेश भर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पुनिया, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु जी शर्मा के नेतृत्व में इकट्ठे हुए। कल तक तो विधानसभा का घेराव था, लेकिन अशोक जी गहलोत को लगा कि युवा मोर्चा के काफी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे, तो उन्होंने अपनी योजनाबद्ध तरीके से विधानसभा स्थगित कर दी। तो भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी डटे रहे और अभी सभी हम सब यहाँ पर जो मुख्यमंत्री आवास है उसका घेराव करने के लिए आए। हर जगह पुलिस की घेराव कर रखा है, पुलिस
बंदोबस्त कर रखा, फिर भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता निकले हुए। आपको क्या लगता है, जितने दावे किए जा रहे थे कि युवा का जो जो सैलाब है वो काफी संख्या में वहां पर जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि इतना हो पाया? क्योंकि यहाँ से भी, शहर से भी बात करें तो 2 बसेस ले जाने की बात कही गई थी, लेकिन एक ही बस गई है। देखिए मैं शहर की बात करूं तो शहर की यहाँ से 2 बस की बात थी, लेकिन क्या है कि वहां से प्रदेश नेतृत्व से 24 घंटे पहले ही सूचना मिली थी, इस कारण से 2 बसें हुई। आपने हमारे पहले कार्यक्रम भी देखे हुए कृतिका जी, 6 साल जब मैं युवा मोर्चा का जिला देख रहा तो भले 2000 या 3000 के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी जयपुर भी गए और बड़े बड़े कार्यक्रम भी हुए। चलो अभी किसी कारणवश से भी युवा मोर्चा हमारा ठंडा पड़ा हुआ, लेकिन आप पूर्व रह चुके हैं, जिला मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके होते हुए नहीं युवा पहुंच पाया इस बार वहां पे। देखिए मैंने आपको एक बात बताऊं, मैंने किसी भी कार्यकर्ता को कोई सूचना नहीं करी। मेरे को पार्टी संगठन ने, जिलाध्यक्ष ने कहा कि आपको भी जाना है, दोनों महामंत्रियों ने और इन्होंने की, अगर मुझे अगर संगठन ये करता कि आपको अपने नेतृत्व में लेके जाना, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ 10 बसों की तो गारंटी मैं कहता हूँ, कम से कम 11वीं बस और एक्स्ट्रा जाती। और अगर ये अगर आप कहें तो आज भी हमारी पूरा युवा मोर्चा की टीम एक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं है और आज भी सब एक है। और युवा मोर्चा का मैं आपके कहना चाह रहा हूँ कि आप तो गवाह है, आप लोगों ने तो हमारे रक्तदान के कार्यक्रम देखे हैं, आपने हमारी सारी वाहन रैलियां देखी है, हम सब ने भाईचारे से काम किया है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। कभी कभी चलो ठीक है कुछ हो जाता है, घर परिवार की बात है, इसको हम इतना लोड नहीं लेते। और अब मैं आपका कह रहा हूँ कि ये चुनाव आने वाले हैं और बहुत जल्द जल्द से मैं प्रदेश नेतृत्व से भी आग्रह कर रहा हूँ कि जल्दी से जिसको भी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाना है उसको युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाए, ताकि नई टीम को एक अच्छे स्वरूप के साथ में खड़ा किया जाए और युवा मोर्चा का स्वरूप आपको उससे भी अच्छा देखने को मिलेगा। ये जो 2 फाड़ अभी शहर के युवा मोर्चा में देखने को मिल रहे हैं, कुछ लोग सनी पोखरणा जी की तरफ है, कुछ लोग आपकी तरफ है। देखिए हम सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, कमल के निशान की तरफ है, ठीक है। इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमको सिर्फ संगठन का काम करना, मैं मेरी बात करूंगा, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा। संगठन की गाइडलाइन से अभी तक भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री बन रहा हूँ, कभी अनुशासनहीनता करी नहीं है और मेरे खुद का डिसिप्लिन, मुझे खुद को भी पसंद है कि डिसिप्लिन रहे। कोई अनुशासनहीनता करता है तो पार्टी को निश्चित तौर पर उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। कारण क्या है कि उसकी अनुशासनहीनता पर अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो आने वाले भविष्य के उसके अच्छे परिणाम नहीं होते। फिलहाल अध्यक्ष विहीन होने का खामियाजा जो है वो युवा मोर्चा को भुगतना पड़ रहा है। 1 साल हो गया है जी, 1 साल से युवा मोर्चा का अध्यक्ष नहीं है और आप देखें तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। मैं भी कहता हूँ 1 साल से युवा तो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, 1 साल से अध्यक्ष नहीं होना कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और उदयपुर शहर हम भी देखते हैं, हमारा भी दिल दुखता है कि बड़ी मुश्किल से हम सब ने मिलकर पिछले 6 साल में 2015 से लेकर 2021 तक हम सब ने बहुत मेहनत करके पार्टी को, युवा मोर्चा को खड़ा किया हर बूथ लेवल तक, और अब अगर वो अगर डाउन होती तो मेरा भी दिल कहीं ना कहीं दुखता है। तो निश्चित तौर पर जैसे ही अगर जिला अध्यक्ष जो भी बनता है जी, उसके बाद में हम सब मिलकर एक साथ से नया स्वरूप अच्छे ढंग से और बहुत ही अच्छी अनुशासित कार्यकर्ताओं को टीम में, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे। आपका जो युवा मोर्चा का विधानसभा घेराव कार्यक्रम जो आप करने जा रहे हैं जी जी जी, उसको लेकर शहर से बातें कही जा रही थी कि बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ से युवा मोर्चा जाएगा जी। आप लोग अभी जो जयपुर में है कितने लोग हैं लगभग? देखिए मैं जैसे अभी मैं पद पे नहीं तो अधिकृत नहीं था मीटिंग लेने के लिए, तो मैं व्यक्तिगत मेरे हिसाब से गया तो मैं 7 गाड़ी लेके गया हूँ। बाकी व्यक्तिगत जी हम व्यक्तिगत हमारी कार लेके गए हैं जी, तो 30 से 35 जने मेरे साथ है। और बाकी व्यक्ति, ये जो दूसरी बात पार्टी कार्ड ले करी थी इन्होंने जो, तो उसके बारे में मेरे को इतना आइडिया नहीं, इनकी क्या बात हुई। आज अखबार में मैंने पढ़ा कि 2 बसों का कुछ स्थान 1 बस हुई है। हाँ जी, 2 बसों की जगह 1 बस गई है ऐसा सुनने में आया है। हाँ वो देखिए वो उसका वो, मैं अभी आज मैं अगर बैठक लेता या फिर मैं जिलाध्यक्ष होता उस हिसाब से अगर बात, अब मैं उसका जवाब दे सकता था कि हाँ भाई इतनी गाड़ी हमने करी थी नहीं हुई। तो मतलब अध्यक्ष विहीन होने का खामियाजा पार्टी भुगत रही है? अध्यक्ष विहीन का तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, पर क्या कि अब एक बार यूं तो होता, सेनापति होती, सेना का बिखराव हो जाता, सेनापति रहता तो ठीक है, सेना व्यवस्थित चलती है जी, वो तो फर्क पड़ता ही है जी। बाकी आज आए हैं युवा मोर्चा, उधर से भी आए होंगे, 1 बस भी आई तो आई है। देहात अध्यक्ष की ओर से भी लगभग 3,500 से ऊपर युवाओं को जयपुर ले जाने की बात कही थी, वो भी पूरा नहीं हो पाया। देहात जिलाध्यक्ष में मैंने सबसे, ये खुद तो गाड़ी लेके आए थे, 5-7 गाड़ियां हैं इनके साथ जी, और शायद इनके क्या दूसरे जो विधानसभा है नरसाड़िया है, गोगुंदा और वल्लभ नगर से बाजू शायद बसें आ रही है वहां से उनके, क्योंकि वो शायद वो जो MLA कैंडिडेट और उनसे वहाँ मैंने जो उन्होंने बसें करी तो सबसे बसें आ रही है जी, सारी युवा मोर्चा में बसें आ रही थी जी। इसी कार्यक्रम को लेकर पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और महामंत्रियों की एक बैठक भी रखी गई थी, लेकिन इस बैठक में 20 से 25 लोग ही आए थे
जी मुझे उसका आइडिया नहीं, देखो मैं उस बैठक में भी ना बुलाया नहीं गया था, और उस बैठक का मुझे आइडिया नहीं वहां पे क्यों ना आए क्या नहीं आए। मेरे को अच्छा आज ही बस का भी आज अखबार से पता लगा कि 2 बसों की बात की है कोई, बाकी मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं क्योंकि उस गतिविधि में मेरे को कहीं भी इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया है, पूर्व अध्यक्ष नाते भी इन्होंने कहीं इन्वॉल्व नहीं करा है, हाँ, ऐसा कर रखा है। शहर युवा मोर्चा से आप जुड़े हुए हैं, तो शहर युवा मोर्चा में भी दो फाड़ देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से कुछ पदाधिकारी आपके साथ हैं, सनी पोखरना के साथ हैं, और कुछ पदाधिकारी भाजपा जिला मंत्री और पूर्व युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं गजेंद्र जी भंडारी, उनके साथ हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैं कभी गुटबाजी में विश्वास नहीं रखता हूँ। आज अगर मेरे से कभी भी किसी पदाधिकारी की बात हुई तो मैंने कहा कि संगठन का जहाँ काम है अपनों करना ही है। आज मैं अगर जिला अध्यक्ष बना तो मुझे संगठन ने बनाया, और आप लोग भी अगर मंडल अध्यक्ष बने महामंत्री बने संगठन ने बनाया, तो अपन को संगठन में काम करना है, किसी व्यक्तिगत का आदमी बनकर काम नहीं करना है। मेरे किसी तरीके से कोई गुटबाजी नहीं है, मेरी तरफ से ऐसा कोई आदमी नहीं है, क्योंकि कोई मेरा आदमी है। हाँ यूँ हो सकता है कार्यक्रम में प्रेम हो सकता है कि हाँ यार सन्नी पे ऐसी बात है, हमारे अध्यक्ष है वो चीजें उनको हुई होगी तो वो दिल में थोड़ा होता होगा, जी किसी का ऐसा नहीं कि संगठन काम में कोई रुकावट हो या फिर संगठन का जो भी काम है सब लोग, मेरी तरफ से कभी भी कोई पैसा होता तो पूरा काम रहता है। ये युवा मोर्चा का विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है जी, ये पता लगा है कि शहर और देहात युवा मोर्चा के दावों के पोल खोल के रख दी है, क्योंकि देहात अध्यक्ष की ओर से भी कुछ दावे किए गए थे कि वो बहुत ज्यादा युवाओं को ले जाएंगे, लगभग 3,551 युवाओं को ले जाने की उन्होंने बात कही थी, वो भी नहीं हो पाया। अच्छा, और शहर से भी अगर बात करें तो केवल 2 की जगह 1 बस ही गई है, क्या कहेंगे? मैडम एक्चुअली देहात का तो मेरे को जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं जी। और शहर जिला की बात करें तो हमें सूचना एक्चुअली पिछले 3 तारीख 2 तारीख को ही हमें सूचना मिली थी, 4 तारीख को हमें भी वहाँ उपस्थित होना है शहर जिला से काफी संख्या लेके, तो हमारे पास अल्प समय था, तो उस समय में हमने जिलाध्यक्ष जी से मार्गदर्शन लेते हुए एक बैठक रखी थी, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि प्रत्येक मंडल से कम 10 या 5-10 की संख्या रहेगी, कारण के त्योहारों के दिन थे और हमारे पास समय नहीं था तैयारी करने का जी। तो बावजूद उसके हमने प्रयास किया था कि 2 बस के करेंगे, परंतु कल शाम तक ऐसा लगा कि 1 बस ही हो पाएगी, तो हम लगभग 50 की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। हाँ, आपने जो कार्यक्रम किया था, आपने जो कार्यक्रम बैठक रखी थी जिसमें पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष और महामंत्रियों की एक बैठक थी, उस बैठक में भी बहुत कम लोग आए हैं। मैडम एक्चुअली क्या कि सुबह 12 बजे के आसपास फोन आया था जी, तो हमने 12 बजे इसकी सूचना करी थी कि शाम को 3 बजे बैठक रखी है पार्टी कार्यालय पर जी, तो 3 घंटे में कोई व्यापार पे था कोई नौकरी पे था, तो इस वजह से बाकी इसके अलावा कोई कारण नहीं था, बट जिला अध्यक्ष जी मिले थे और करीब करीब मंडल अध्यक्ष जो थे हमारे वो आधे से ऊपर आ गए थे उस समय, और बस वो बात वही थी कि त्योहार वगैरह थे और हमारे पास समय कम था तैयारी करने का, बावजूद उसके हम 50-55 कार्यकर्ता, जैसे कुछ हमारे कार्यकर्ता खाटू श्याम जी आए हुए थे तो वो लोग भी इधर आ गए, तो हमने मोटे मोटे हम 53-54 जने हो गए हैं यहाँ पे जी, और इससे ज्यादा हमने लक्ष्य की कोशिश करी थी, परंतु समय की कमी होने की वजह से हम यही निर्धारित कर पाए थे और हमने वो पूरा किया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि शहर युवा मोर्चा में भी दो फाड़ हैं, जिनमें से कुछ पदाधिकारी जो हैं वो सनी पोखरना के साथ हैं और कुछ पदाधिकारी भाजपा जिला मंत्री और पूर्व युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं हमारे गजेंद्र भंडारी जी के साथ हैं। नहीं नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। और गजेंद्र जी भंडारी तो पूर्व युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, उनका कोई दायित्व तो नहीं है युवा मोर्चा में। हाँ। तो ये तो बिल्कुल ये बात तो कोई नहीं है कि उनको कोई इंटरेस्ट है या उनके साथ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, परिवार है, छोटी मोटी बातें होती हैं और ऐसा कुछ नहीं, कौन किसके साथ है, संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है, कमल का फूल हमारे लिए सर्वोपरि है, उसको लेके सभी कार्यकर्ता काम करते हैं, छोटी मोटी कोई नाराजगी हो सकती है, मन भेद हो सकता है, मन भेद नहीं है हमारे किसी। तो अध्यक्ष विहीन होने का कहीं खामियाजा तो नहीं भुगत रहे हैं युवा? हाँ मैडम ये तो थोड़ा सा फर्क पड़ता ही है, देखिए स्वाभाविक है किसी संगठन का मुखिया का होना बहुत जरूरी है ना, तो ये तो थोड़ा सा इफेक्ट इसका होता ही है, बट फिर भी ठीक है हम प्रयास कर रहे हैं, जैसा भी संगठन की ओर से आदेश मिलता है, हम जो दोनों महामंत्री हैं अभी और जैसा भी आदेश मिलता है संगठन की ओर से, चाहे प्रदेश से हो चाहे शहर जिला से हो, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। अभी तो युवा मोर्चा का विधानसभा घेराव के लिए आप लोगों ने कार्यक्रम किया है जी, उसमें देहात और शहर युवा मोर्चा के दावों की जो है वो पोल खोल दी है, क्या कहना चाहेंगे? पोल खोल दी शहर की बात कर रहे हैं, हम तो शहर से हम संख्या लेके आए हैं यहाँ, 50-55 जन आए हम यहाँ। नहीं यहाँ से शहर से तो बात बहुत की जा रही थी कि 2 बसें लेके जाएंगे, लेकिन 1 बस ही गई है आज। वो क्या है कि 2-3 जनों की तबियत खराब हो गई थी तो उनके साथ ही कार्यकर्ता रुक गए थे, तो पहला ये था कि 2 बसें करेंगे तो 30-35 एक में, 30-35 एक में हो जाएंगे, लास्ट टाइम जब था 50-55 ही हो रहे हैं, तो फिर एक में एडजस्ट करके आ गए हम। अच्छा, इस कार्यक्रम को लेकर आप लोगों की पहले कोई बैठक भी हुई थी, उसमें भी कोई पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष महामंत्री 20-25 ही आए थे, ज्यादा नहीं आए थे?
नहीं एक्चुअली शॉर्ट टाइम नोटिस था बैठक का। हाँ। बैठक की सूचना प्रदेश से कार्यक्रम था मगर हमें सूचना नहीं थी तो हमने सुबह 12 बजे 12:30 बजे बैठक की सूचना दी गई कि भी 3 बजे बैठक है तो शॉर्ट टाइम में कोई कहाँ व्यस्त था कोई कहाँ व्यस्त था। युवा मोर्चा में अभी अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष विहीन होने की जो खामियाजा है वो भुगत रहे हैं आप लोग? हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो मैं टाल दूंगा नहीं, अध्यक्ष नहीं उसका फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। अब हाँ। जिस गाड़ी में भी ड्राइवर नहीं उस गाड़ी को कितने दिन तक चलाएंगे। शहर युवा मोर्चा में भी 2 फाड़ नजर आ रहे हैं, कुछ लोग सनी पोखरना के पक्ष में हैं तो कुछ लोग गजेंद्र जी भंडारी के साथ हैं। मैं उस समय में तो कुछ नहीं जानता, मैं तो बस ये जानता हूँ संगठन ने कहा था कि बस लेके जानी है तो हम बस आप महामंत्री हैं जी और आप कह रहे हैं आप कुछ नहीं जानते। नहीं बात वो नहीं है, वो जिसको अब अपने हिसाब से चले तो उसका हम क्या कर सकते हैं, हमको जो संगठन आदेश करेगा हम तो वो काम करेंगे ना। अब कोई इच्छा हो कोई स्वतंत्र जाए तो स्वतंत्र जाए, कोई इसको रोक नहीं सकता।